अवैध माइनिंग करने वालों के हौसले इतने बुलंद हैं कि नदी में पानी का तेज बहाव होने के बाद भी वो माइनिंग करने से नहीं चूकते। सडोरा के रणजीतपुर इलाके के भगवानपुर की नदी में अवैध माइनिंग हो रही थी, जिस सूचना पर रणजीतपुर चौकी पुलिस और माइनिंग विभाग ने अवैध खनन कर रही ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर सीज कर दिया। अब एनजीटी के नियमों के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं रणजीतपुर चौकी इंचार्ज सतीश कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि भगवानपुर की नदी में ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध माइनिंग कर रही है। मौके पर पहुंचे तो ट्रैक्टर ट्रॉली में नदी से पत्थर लोड किए जा रहे थे। हमारी पुलिस की टीम ने माइनिंग विभाग के अधिकारियों के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली को मौके पर काबू किया और उसे सीज कर दिया। एनजीटी के नियमों के तहत जुर्माना करवाया जाएगा। पहले भी ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें दो जेसीबी मशीन पकड़ी गई थी, उसमें भी एनजीटी के नियमों के तहत जुर्माना करवा कर कार्रवाई की जाएगी। यमुनानगर से हरीश कोहली की रिपोर्ट। सूचना मिली थी कि भगवानपुर की नदी में एक ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो माइनिंग कर रहा है, और ट्रैक्टर जो मालिक है वो अमन कुमार पुत्र खेम सिंह भगवानपुर का है, जो पत्थर लोड कर रहा है। तो माइनिंग विभाग के निरीक्षक ओम दत्त आए, उनके साथ मिलकर हमने ज्वाइंट ऑपरेशन किया और उस ट्रैक्टर ट्रॉली को मौके पर काबू किया और काबू करके उसको सीज कर दिया। और जो अब ये ट्रैक्टर ट्रॉली है चौकी रणजीतपुर में खड़ी है, और जिसके एनजीटी के नियमों के तहत फाइन कराया जाएगा। ज्वाइंट ऑपरेशन किए हैं, उसमें पहले दो जेसीबी मशीन पकड़ी थी, तो उनको भी फाइन कराया गया था एनजीटी के तहत।